आप दही वड़ा तो बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज मैं बहुत ही हेल्दी दही वड़ा लेकर के आई हूँ। ये बिना तेल के बने हुए हैं, ये इडली स्टैंड में मैंने इसे बनाया है। ये बहुत ही हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है खाने में। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये दही वड़ा छाने हुए दही वड़ा से भी अच्छे और स्वादिष्ट हैं और खाने में भी पूरे टेस्ट दही वड़ा के ही लगते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मूंग दाल लिया है, इसके साथ ही एक चम्मच उड़द दाल लिया है और इसी चम्मच से आधा चम्मच चावल लिया है। दाल को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। देखिए, मैंने एक बड़े कटोरा लिया है और उसमें दाल को डाल दिया है और उसे अच्छी तरह से धो लिया है। इसे दो तीन पानी से मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें पानी डाल करके 4 घंटे या 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। देखिए, दाल अच्छी तरह से फूल गए हैं। इसे मैं तोड़ करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से टूट रहे हैं, यानी कि अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब इसके सारे पानी को फेंक देंगे। देखिए, सारे पानी को इसे मैंने निकाल दिया है। अब एक मिक्सी जार में इसे डाल करके अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैंने एक बार इसे पीसा है, इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और साइड में जो लगे हुए थे इसे सारे दाल को नीचे कर देंगे ताकि अच्छी तरह से पिसा जाए। जब पानी की ज़रूरत लगेगा तब इसे अच्छी तरह से पानी डाल करके पीस लेंगे। इसे हल्का चला देंगे ताकि नीचे वाला ऊपर आ जाए और ऊपर वाला नीचे चला जाए और अच्छी तरह से पिसा जाए। देखिए, ये अच्छी तरह से पिसा गया है। इसमें जब पानी की ज़रूरत लगे तभी पानी डाल करके पीसेंगे, नहीं तो अगर ऐसे पिसा जाता है तो ऐसे ही पीसेंगे। देखिए, अच्छी तरह से महीन पिसा गया है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने सारे मिश्रण को एक बर्तन में डाल लिया है। अब इसमें जो मिक्सी में जो थोड़े से बचे हुए थे उसे पानी डाल कर इसमें मिक्स कर देंगे और इसे खूब फेंटेंगे। इसे 5 मिनट या 10 मिनट अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि बड़ा अच्छी तरह से फूले। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये अच्छी तरह देखिए फ्लोपी हो गए हैं। अब इसे ढक्कन से ढक करके 4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि और इसमें खमीर जैसा उठ जाए। देखिए, अच्छी तरह से खमीर उठ गया है। अब आधा चम्मच इसमें कूटे हुए गोलकी डाल देंगे और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और दोनों को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इडली मोल लेंगे और उसमें अच्छी तरह से तेल लगा देंगे। मैंने सारे इडली मोल को ग्रीस कर दिया है। अब इसमें मिश्रण को डाल करके, इसमें ज़्यादा मिश्रण नहीं भरेंगे, थोड़ा सा कम ही रखेंगे, सबको डाल देंगे। मैंने 2 इडली मोल लिया है और इसमें सारे मिश्रण को डाल दिया है। अब इसे इडली स्टैंड में डाल देंगे। मैंने इसे डाल दिया है। अब पानी खोलने के लिए मैंने पहले से चढ़ा के रखा था। देखिए, पानी खोल रहे हैं। जब भी पानी खोलने लगे तब ये बड़ा को डालेंगे और इसे ढक्कन से ढक करके 20 मिनट तक के लिए पकने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे मैं ढक्कन हटा के दिखाती हूँ। देखिए, ये अच्छी तरह से कितने फूले फूले बने हुए हैं। अब इसे मैं निकाल देती हूँ। देखिए, कितने अच्छे और फूले फूले बने हैं। अब इसे चाकू की मदद से साइड साइड से पहले निकालेंगे और फिर इसे पूरी तरह से निकाल देंगे। देखिए देखिए, कितने फूले हुए बने हैं। इसे मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अभी गर्म है, आप देख सकते हैं कि अंदर से भी ये कितने स्पॉन्जी बने हैं। अब सारे बड़ा को निकाल देंगे। देखिए, मैंने सारे बड़ा को निकाल दिया है। अब मैं एक टुकड़ा देखिए काट के दिखा देती हूँ। देखिए, कितने स्पॉन्जी हैं। अब मैंने एक
बर्तन में दही लिया है, उसमें कुछ पानी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें बड़ा को डाल देंगे और इसे 20 मिनट तक फूलने के लिए रख देंगे। 20 मिनट में अच्छी तरह से पेवस हो जाएगा, उसका दही बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसे ढक देंगे। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, अब ये कितने फूले फूले हो गए हैं। अब इसे मैं सर्व कर देती हूँ। मैंने इसे एक प्लेट में डाला है, देखिए एक प्लेट में मैं इसे डाल दे रही हूँ। अब इसे काट लेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। मैंने चार बड़ा को अच्छी तरह से काट लिया है, इसमें चार बड़ा को ही मैंने काटा है। अब थोड़ा सा दही अलग से फिर से लेंगे, उसमें चीनी डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दही अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसे बड़े के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से डाल देंगे। मैंने बड़े के ऊपर अच्छी तरह से दही डाल दिया है। अब इसके ऊपर काला नमक छिड़क देंगे। काला नमक डालने से ये अच्छी तरह से बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। अब इसके ऊपर भुने हुए जीरे पाउडर डाल देंगे। अब इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, पीसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपको इच्छा है मीठी चटनी डालने का तो आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। ये दही बड़ा बहुत ही पौष्टिक है, इसमें किसी भी तरह का तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे सभी लोग खा सकते हैं, एक बार और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसे बने हैं।